नमस्कार किसान साथियों, आज आपके लिए लाए हैं एक नए ट्रैक्टर का पूरा कंप्लीट टेक्निकल रिव्यू जो जॉन डियर ने अपनी नई सीरीज लॉन्च की है गियर प्रो 5210 के नाम से, जो पहला 50 HP का ट्रैक्टर लॉन्च किया है। तो क्या कुछ खास है इस ट्रैक्टर में किसान भाइयों के लिए जो कंपनी बोलती है और ऑफ़र कर रही है, और क्या ऐसे फीचर्स हैं जो हम डीलरशिप पे जाएं तो हमें डीलर के साथ डिस्कस करके ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो आज उन तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें डीलर एंड पे जाके पूछना चाहिए और उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तभी एक ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये ट्रैक्टर जो 5210 है, ये 50 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर निकाला है जो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली HP कैटेगरी है। तो आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या दिया है। तो कंपनी ने इसमें बड़े साइज़ के लिए बोला है और सस्पेंडन पैडल वगैरह, प्लेनेटरी गियर, सेल्फ एडजस्टमेंट, सेल्फ एडजस्टिंग जो अपना इंप्लीमेंट वाला बोला है, 4 रेंज गियर के लिए बोला है, 30% टॉर्क बैकअप टॉर्क होता है, हायर लिफ्ट कैपेसिटी बोला है, 4WD टेक्नोलॉजी के और SCV वाल वगैरह, इलेक्ट्रिक की रिलीज वाल, इन सब के साथ में आता है। तो सबसे पहले ट्रैक्टर में जो इंजन आता है वो जॉन डियर का 3029H इंजन आता है विद इनलाइन FIP के साथ, जो बहुत ही पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट इंजन बताया है कंपनी ने। तो इसकी क्या डिटेल्स है इसके बारे में बात करते हैं। ये 50 HP कैटेगरी का 3 सिलेंडर वाला 2100 RPM पे काम करने वाला इंजन है, डायरेक्ट इंजेक्शन और टर्बो चार्ज के साथ इनलाइन FIP के साथ आता है, वाट कूलेंट विद कूल्ड विद ओवरफ्लो रिजर्व ऑयल के साथ आता है। इसमें ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिए गए हैं और इसमें बैकअप टॉर्क की बात की जाए तो इसमें कंपनी ने 38% बैकअप टॉर्क के साथ बोला है, जो कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है ट्रैक्टर में। बैकअप टॉर्क जो होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि बैकअप टॉर्क जब भी कहीं हमारा ट्रैक्टर फंसता है तो उस टाइम बैकअप टॉर्क की अपनी ताकत निकाल के उसको बाहर निकालने में काम देता है। तो बहुत ज़रूरी होता है बैकअप टॉर्क। इसके गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें 5210 गियर प्रो के नाम से 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स के ऑप्शन के साथ इसमें गियरबॉक्स आता है, जो फुल्ली सिंक्रोमेस कोलर शिफ्ट के साथ आता है। 4 गियर रेंज, मोर ऑप्शंस विद मोर एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी उतना गियर्स जितने ज़्यादा होंगे। और इसमें देखिए जो बैक एंड दिया गया है, इसमें प्लेनेटरी और स्ट्रेट एक्सल के साथ दिया गया है, जो काफ़ी कम वाइब्रेशन और लो नॉइस के साथ और हाईली ड्यूरेबल मतलब लंबी लॉन्ग लाइफ के साथ आता है। इसमें प्लेनेटरी काफ़ी हैवी जो अपना इंप्लीमेंट्स वगैरह हैं उनमें यूज किया जाता है। ये देखिए बैक एंड में प्लेनेटरी जो हांडी टाइप बनी होती है उसको प्लेनेटरी रिडक्शन ड्राइव की वजह से ही लगाया जाता है। इसमें PTO की बात करें तो रिवर्स PTO और डूल PTO आता है, जो कि 540 के साथ इसमें स्पीड आती है और इसमें 6 सप्लाइन के साथ ये आता है। अब इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें जो 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है, जो जॉन डियर के ट्रैक्टरों में काफ़ी हाई लिफ्ट कैपेसिटी है और काफ़ी अच्छा भी है। ये देखिए इसमें जो लिंक दिए गए हैं इसमें एडजस्टमेंट वाले, स्ट्रा बार जिसको बोलते हैं, वो दिया गया है इसमें। और ये इजी एडजस्टमेंट फॉर ज्वाइनिंग इंप्लीमेंट, मतलब इंप्लीमेंट को जल्दी से लगाने और हटाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, स्वे बार करके जो ऑप्शन आता है इसमें। साथ में एक EQRL का जो स्विच भी दिया गया है, जो आसानी से लिफ्टिंग को ज्वाइन और हटाने के लिए इंप्लीमेंट को जोड़ने के काम को करता है, जो काफ़ी फाइन ट्यूनिंग के साथ सेटिंग करके इधर उधर होता है जिससे जल्दी इंप्लीमेंट जुड़ जाता है। ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं ट्रैक्टर के अंदर, जो आज के टाइम में सेफ्टी के लिए आज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ट्रैक्टर में होना ही चाहिए। सस्पेंडन पैडल जो आता है, सस्पेंडन पैडल जो अपना उसको प्रेस करने में बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें SCV क्विक कपलर जो वाल आते हैं, जैसे कोई भी अपना बड़ा काम करना हो, डिपिंग ट्रॉली वगैरह उठानी हो, उसमें क्विक कपलर और 2 कपलर की ज़रूरत पड़ती है। अपना कंप्यूटर गोड़ी वगैरह चलानी हो उस पर ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। पावर स्टेयरिंग
पावर स्टीयरिंग तो तकरीबन जॉन डियर के सभी ट्रैक्टर्स में आता है, बाकी आज के टाइम में हार्ड वर्किंग और अच्छी स्मूथ ड्राइव के लिए पावर स्टीयरिंग का होना ज़रूरी है। बीगर टायर साइज दिए गए हैं इसमें, 6/16 और 7.5/16 के साथ। पीछे वाले टायर जो हैं 14/9/28 और 16/9/28 दोनों ऑप्शन के साथ अवेलेबल हैं। जैसे जिस हिसाब का काम उसी हिसाब से ट्रैक्टर का टायर सिलेक्शन करना चाहिए। खेत के काम के लिए 14/9/28 और वैसे हॉलेज के काम के लिए 16/9/28। हुड लॉक का एक दिया है टोटली सिक्योर करके, आगे इसमें बैटरी बॉक्स भी रखा रहता है तो ये चाबी से ही खुलने वाला हुड जो होता है, तो ये सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया गया है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट कंपनी ने इसमें दिया है, लिख के दे रही है कि हमने मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया गया है। हमेशा कभी भी अपना मोबाइल चार्ज आप लगा सकते हैं। और इसमें कंपनी ने जेडी लिंक्स जो जॉन डियर का ऐप है, आप अपने मोबाइल की सहायता से हमेशा अपने ट्रैक्टर के साथ जुड़े रह सकते हैं। एनी टाइम एनी वेयर जहाँ भी आपका ट्रैक्टर हो आपको पता रहेगा सर्विस टाइम कब आ रहा है, कोई और दिक्कत परेशानी नहीं है, सब इसमें आता है। तो ये 5210 गियर प्रो 4/12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स के साथ आता है। इसमें फैक्ट्री फिटेड कुछ ये पॉइंट्स दिए गए हैं, एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है, रिवर्स पीटीओ है, ड्यूल पीटीओ है, यूक्यूआरएल है, सिंक्रोमस ट्रांसमिशन है, काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कंपनी के वहीं से फिटेड है। कुछ एडिशनल फीचर दिए गए हैं, सिंगल पीस हुड है, साइड बार है, वाटर बॉटल होल्डर है, सीट विद आर्म रेस्ट है, सस्पेंडन पेडल है, मफलर गार्ड है, फिंगर गार्ड है। तो ये कुछ सेफ्टी के लिहाज से कंपनी प्रोवाइड करके देती है इसके साथ में। और ट्रैक्टर का यूज हम डोजर और लोडर दोनों में यूज कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में एक कमाई का नया साधन है कि ट्रैक्टर पे भी डोजर और लोडर का काम होने लग गया है। जेसीबी की तरह मतलब वर्किंग होती है इसके ऊपर। अब इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो इसमें 2100 केजी वेट आता है। व्हील बेस इसका 2050 mm है, जो लंबा कर दिया गया है पहले से। और ये देखिए इसमें टर्निंग रेडियस जो है 3150 का है, तो पहले से लंबाई बढ़ा दी गई है ट्रैक्टर की। पावर टेक ऑफ इसमें देर का पीटीओ 540 के साथ आता है, जो 2100 rpm पे अपना पूरा चक्कर करता है। फ्यूल टैंक इसका 68 लीटर का है। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा अपनी राय ज़रूर दीजिए।